ओके यस प्लीज, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग आइएगा पेज नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 36, ओके यस प्लीज, क्वेश्चन नंबर 36, दिस इज ऑन पेज नंबर 94। एमएनपी लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग इट्स एग्जिस्टिंग मशीन बाय ए न्यू मशीन विच वुड कॉस्ट रुपीज 60 लैक्स। द कंपनीज करंट प्रोडक्शन इज 80,000 यूनिट्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 1 लाख यूनिट्स इफ द न्यू मशीन इज बॉट। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड एट रुपीज 200 पर यूनिट। फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बोथ द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू मशीन। आपके सामने एग्जिस्टिंग मशीन, फिर न्यू मशीन की डिटेल्स गिवन है और ये पर यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है। ध्यान रखिए, ये आपको पर यूनिट कॉस्ट गिवन है। उसमें क्या क्या है? मटेरियल्स, वेजेस एंड सैलरीज, सुपरविजन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, ओवरहेड्स। द एग्जिस्टिंग मशीन हैज बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पसेस। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 years। द सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर रुपीज 2,50,000। हाउ एवर द मार्केट प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 35,000 आफ्टर 5 years। द न्यू मशीन हैज लाइफ ऑफ 5 years, सेल्वेज वैल्यू ऑफ 2,50,000 एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। टैक्स रेट 40%, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, इवेल्युएट द प्रपोजल। तो ये एक्सचेंज का केस है, तो पहली कैलकुलेशन कौन सी होनी चाहिए? डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। पहली कैलकुलेशन होनी चाहिए डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, परचेज ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन का परचेज प्राइस बताइए 60 लैक्स। परचेज ऑफ न्यू मशीन 60 लैक्स। माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन को बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 2,50,000 रुपए। पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे? प्रेजेंट बुक वैल्यू। पुरानी मशीन की इस समय हमारे रिकॉर्ड्स में वैल्यू कितनी है? नील, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल्ली डेप्रिशिएटेड है। नई मशीन आप कितने की खरीदने जा रहे हैं? 60 लाख। नई मशीन आप 60 लाख की खरीदने जा रहे हैं, फिर आप लिखिएगा डेप्रिसिएशन ईच ईयर ब्रैकेट्स में ईयर्स 1-5।
देखिए पुरानी मशीन आप भले ही अगले 5 साल इस्तेमाल करो, हम आपको रोक थोड़ी रहे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, रिकॉर्ड में तो कम से कम वैल्यू नहीं। अब जिसकी कीमत जीरो होगी, डेप्रिसिएशन भी जीरो ही होगा, तो अगले 5 साल हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? जीरो। जब उसकी कीमत ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन कहां से आएगा? बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स इट विल आल्सो बी जीरो। ठीक है। अब आइए आप नई मशीन के बारे में बात करते हैं। आज आपने नई मशीन खरीदी है 60 लाख रुपए की, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि 5 साल के बाद नई मशीन की बुक वैल्यू हो जानी चाहिए, क्वेश्चन में लिखा होगा 2,50,000 रुपए। ठीक है जी, हो जाएगी। इसका मतलब आप 5 साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाना चाहते हैं? 57,50,000। अच्छा, 57,50,000 आप टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना? 11,50,000। देखो जी, अब हर साल डेप्रिसिएशन जीरो रिकॉर्ड नहीं होगा, 11,50,000 रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब 11,50,000 ही डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, चलिए, ये आपने डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन हर साल हमें बता दिया 11,50,000 रुपए। अब आप बताइएगा सेल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स अगर 5 साल बाद पुरानी मशीन बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 35,000 में। नई मशीन बेचोगे तो कितने की बिकेगी? नई मशीन बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 2,50,000 रुपए। आप मुझे डिफरेंशियल सेल्वेज वैल्यू बताइए। ₹2,15,000। ठीक है एकदम। उसके बाद आप मुझे बताएंगे प्रॉफिट ऑन सेल। पुरानी मशीन रिकॉर्ड कहेंगे जीरो, बेचोगे 35,000 में तो जी 35,000 का प्रॉफिट हो गया। रिकॉर्ड कहेंगे 2,50,000, बेचोगे 2,50,000 में तो प्रॉफिट हो गया जीरो। अच्छा, टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना लिखा? 40%। पैंतीस हजार के प्रॉफिट का मतलब 14,000 टैक्स की पेमेंट। और जीरो प्रॉफिट का मतलब जीरो टैक्स। अब आप मुझे इसका डिफरेंस बताएंगे। 14,000 और 14,000 के ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं? सेविंग। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, जब आप कहते हैं ओल्ड मशीन और न्यू मशीन, तब आप कहना चाहते हैं कि ओल्ड मशीन वाला केस अब नहीं होगा, अब ये हालात नहीं होंगे, अब ये वाले हालात होंगे। 14,000 टैक्स देने का इवेंट अब नहीं होगा तो क्या होगा? जी अब जी आपको जीरो टैक्स देना, तो इसका मतलब 14,000 का टैक्स अब आपको नहीं देना। तो मैं तो ये कहूंगा ना कि 14,000 का टैक्स मेरा बच गया। मेरे ख्याल से ये सिचुएशन हमने पहले भी डील करी हुई है। चलिए, हमने क्या पता कर लिया? डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन ईच ईयर, डिफरेंशियल सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, डिफरेंशियल टैक्स सेविंग एट द एंड ऑफ 5th ईयर। सारी बातें डिस्कस हो गई।
अगली हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कैश कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कैश कॉस्ट। हालांकि हमें कैलकुलेट करना चाहिए डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, वो हो जाएगा कैलकुलेट, एक बार जरा पहले ये कैलकुलेट कर लें। कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कैश कॉस्ट, आप एक काम करेगा इसमें आप यही कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स ओल्ड मशीन न्यू मशीन डिफरेंस, यही कॉलम बनाइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली कॉस्ट है मटेरियल। देखिए अगर तो एग्जिस्टिंग मशीन होगी तो यूनिट्स बनेंगी 80,000 और एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट होगी 75। अगर यूनिट्स बनेंगी 1,00,000 सॉरी अगर न्यू मशीन लेकर आओगे तो यूनिट्स बनेंगी 1,00,000 और एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट होगी 63.75। आप मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताइए। थ्री लैख 75,000 आपने बताया, 3,75,000। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। अगर पुरानी मशीन यूनिट्स 80,000 और पर यूनिट कॉस्ट 51.25, नई मशीन यूनिट्स 1,00,000 पर यूनिट कॉस्ट 37.5। मेरे ख्याल से कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है ना, कॉस्ट कितनी कम हो रही है? तो क्या ये बात ब्रैकेट में लिखी जाए, मतलब अगर ये कॉस्ट बढ़ रही है तो ये कम भी हो रही है, हम तो डिफरेंशियल जानना चाहते हैं, तो बढ़ी हुई कॉस्ट घटी हुई कॉस्ट एडजस्ट कर लेंगे। तीसरी कॉस्ट है सुपरविजन। पुरानी मशीन यूनिट्स 80,000 पर यूनिट कॉस्ट 20,000, नई मशीन यूनिट्स 1,00,000 और पर यूनिट कॉस्ट 25, ये तो बढ़ रही है कॉस्ट और कितनी बढ़ रही, 9,00,000। चौथी कॉस्ट का नाम है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। पुरानी मशीन यूनिट 80,000 पर यूनिट कॉस्ट 11.25, नई मशीन 1,00,000 यूनिट और पर यूनिट कॉस्ट 7.5, डिफरेंस बताइए। 1,50,000 नेगेटिव, यानी कॉस्ट कम हो रही है। उसके बाद है पावर एंड फ्यूल। पुरानी मशीन यूनिट 80,000 पर यूनिट कॉस्ट 15.5, नई मशीन यूनिट्स 1,00,000 और पर यूनिट कॉस्ट 14.25, इंक्रीजिंग कॉस्ट बताएं। 1,85,000 नेक्स्ट है ओवरहेड्स। एट्टी थाउजेंड यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट 10, 1,00,000 यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट 12.5, 4,50,000
आप मुझे खाली डिफरेंशियल के कॉलम का टोटल बता दीजिएगा, 14,10,000 डिफरेंशियल का टोटल आपने बता दिया 14,10,000। हां जी, अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, फिर एनपीवी के बाद कंक्लूजन, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, अच्छा क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए हमारे लिए फायदे वाली बात है, डब्ल्यूडीवी मेथड होता तो फिर ईयर 1, 2, 3, 4, 5 का हिसाब होता। हां तो पहली बात लिखिएगा इंक्रीज इन सेल्स। देखो भाई पहले आप यूनिट बेच रहे थे 80,000, अब आपने यूनिट बेचनी है 1,00,000, तो आप कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बेचोगे 30,000। एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस ₹200, 20,000 यूनिट आप ज्यादा बेचेंगे ₹200 के रेट पर, तो आपकी सेल कितनी बढ़ने वाली है 40,00,000। पहला काम आपने रिकॉर्ड किया इंक्रीज इन सेल्स, ये फेवरेबल फैक्टर हो गया। अनफेवरेबल फैक्टर है इंक्रीज इन कैश कॉस्ट, जो कि आपने अभी अभी पता किया है 14,10,000। माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने इससे पहले पता किया था 14,00,000 कितना था, सॉरी 11,50,000। तो आपने पहले लिखा इंक्रीज इन सेल फेवरेबल फैक्टर, दो अनफेवरेबल फैक्टर इंक्रीज इन कैश कॉस्ट और एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओके ये सब एडजस्ट करने के बाद डिफरेंस बताएंगे, फिर से बताएं 14,40,000 के सामने क्या लिखा जाए, इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स का रेट कितना है 40%, कितना हो गया 5,76,000, 5,76,000 माइनस करके कितना आ गया 8,64,000। इसे आप क्या कहना चाहेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला जो अमाउंट है वो आप वापस ऐड बैक कर दीजिए, अलेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड कितना हो गया 20,14,000। ये जो 20,14,000 है ये क्या हो गया, डिफरेंशियल कैश इनफ्लो। और जब आप कहें डिफरेंशियल कैश इनफ्लो तो ब्रैकेट्स में आप क्या लिखना चाहेंगे, इयर्स 1, 2, 4
पांचवें साल में आपको कुछ बातें और डील करनी है, प्लस डिफरेंशियल सेल्वेज वैल्यू। डिफरेंशियल सेल्वेज वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर रखी है? 215,000। पांचवें साल के आखिर में आपको डिफरेंशियल सेल्वेज वैल्यू 215,000 आपने रिकॉर्ड करी। एक और फायदा रिकॉर्ड करें, डिफरेंशियल टैक्स सेविंग। डिफरेंशियल टैक्स सेविंग कितना है? ₹14,000। अब बताइए, 22,43,000। ये जो 22,43,000 आया है, ये है डिफरेंशियल कैश इनफ्लो इन फिफ्थ ईयर। ये पांचवें साल का डिफरेंशियल कैश इनफ्लो हो गया। दिस इज डिफरेंशियल कैश इनफ्लो इन द फिफ्थ ईयर। अच्छा, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा? 15%। हाँ जी, ईयर 1, 2, 4 एंड 5। 1, 2, 4 में आप लिखिएगा 20,14,000 और फिफ्थ ईयर में 22,43,000। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर आपके पास होगा 15%। आप मुझे चार साल का एनुटी फैक्टर बताएंगे? 2.855। और फिफ्थ ईयर का सेपरेटली बताइए, 0.497। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 6,8,64,741। यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। आप इसमें से माइनस करिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो कि आपने शुरू में कैलकुलेट किया था 58,50,000। डिफरेंस आपको एनपीवी पता चल जाएगा, 1014741। चलिए, जो भी एनपीवी एक पॉजिटिव अमाउंट आया, तो हमारी तरफ से इस इन्वेस्टमेंट के लिए हां है। तो आइए कंक्लूजन लिख लेते हैं। Since NPV is a positive amount, the given investment decision, will be financially viable. The given investment decision will be financially viable. ठीक है ना? अच्छा, आप लोग पेज नंबर 101 पर आएंगे, पेज नंबर 101। बस मुझे एक बात पूछनी है, क्या इसका क्वेश्चन नंबर 59 हमने कर लिया है?
नहीं क्या, ठीक है तो फिर अब हम यही करेंगे जरूर क्या। क्वेश्चन नंबर 59, वैसे हमने प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन शुरू तो कर लिए थे ना। ओके ओके ओके, एक्चुअली क्या दो तीन बैचेस में एक ही चैप्टर चल रहा हो ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां कौन सा क्वेश्चन कराया और कहां कौन सा क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक, तो आप कह रहे अभी हमने प्रोबेबिलिटी वाला कोई क्वेश्चन नहीं करा, ठीक ठीक, तो आप आइएगा फिर पेज नंबर 89 पर। पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 27, आप आइएगा पेज नंबर 89 पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ए कंपनी इज इवेल्युएटिंग द प्रपोजल इन्वॉल्विंग इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ रुपीज 1,40,000 एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 2 years। द कैश इनफ्लोज एंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज, ईयर 1 एंड ईयर 2। हमें कैश इनफ्लोज और रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। इवेल्युएट द प्रपोजल इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो आप हेडिंग डालेगा, हेडिंग है मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। हां, ये हेडिंग है मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। उसमें पहले ईयर 1, मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो ईयर 1। देखिए ऐसा है, क्वेश्चन कहता है 1,00,000 का कैश इनफ्लो होगा, ध्यान से सुनेगा, इस बात का चांस है 30%। 80,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस है 50%, और 10,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस है 20%। अब आप ये सोच लीजिए क्या करना। नहीं, बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को ना आप ध्यान से समझिए। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो पहले लेना पड़ता है। जैसे अगर हम सिक्का उछालते हैं तो हेड्स और टेल्स क्या आएगा ये हमें पहले ही बताना पड़ता है। अब दोनों के आने का चांस अगर 50% है तो हम कहते हैं जी 50% चांसेस का है, 50% चांसेस का। लेकिन अगर मैंने सिक्का उछाल दिया और हेड्स आ गया और मैं अब अगर आपसे पूछूं कि बताओ क्या आएगा, तो क्या ये कोई सवाल हुआ? अब हेड्स आ गया तो आ गया, यानी ये हो गया तो ये 100% इवेंट हो गया। इसका मतलब इवेंट हो जाने के बाद कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये कि इवेंट होने से पहले बताना होगा। अब इवेंट होने से पहले हम कैसे बता सकते हैं? चांस ही हो सकता है ना, यानी इवेंट होने से पहले 50% है और इवेंट होने के बाद या वो 100% है या वो 0 है। आप कहते हैं 1,00,000 का कैश इनफ्लो हो सकता है पर उसका चांस है सिर्फ 30%। तो हम कहेंगे कि जब उसका 30% चांस है तो फिर 30% ही लिखिए, 100% मत लिखिए। आप ही कर रहे हो ना 30% चांस है तो फिर उसका 30% ही लिख डालो। 1,00,000 के 30% के कैश इनफ्लो का चांस है, मैं ऐसा कह लेता हूं। 80,000 का कैश इनफ्लो होगा, इसका चांस 50% है। और 10,000 का कैश इनफ्लो होगा, इसका चांस 20%।
अब आप इसका टोटल बताइए, 72,000। आप टोटल बता रहे 72,000। आइए सिमिलरली हम सेकंड ईयर के लिए भी कैलकुलेशन करें। 140,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस 50%। सत्तर हजार का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस 30%। 60,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस 20%। टोटल बताएंगे 1,03,000। देखो जी, गारंटी तो हम किसी चीज की नहीं देंगे। गारंटी कैसे दे सकते हैं हम? अगर सिक्का उछालेंगे तो हम हेड्स के आने की गारंटी थोड़ी दे सकते हैं। शुरू में तो फिर ऐसे ही फैसले होते, बाद में कुछ भी हो सकता है। देखो जी, इवेंट होने के बाद तो दुनिया फैसले सुना देती है, पर हमारी समस्या यह है, हमने अगर शेयर खरीदना है तो हमने आज फैसला लेना है कि शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना। पता नहीं कल डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हां, लेकिन हम लोग उम्मीद तो लगा के बैठते ही है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यही है कि जो चीज जितनी प्रोबेबल है उसको उसी प्रोबेबिलिटी पर ही एस्टेब्लिश कर लिया जाए और उसी को मान लिया जाए। बाकी फिर जैसी आपकी किस्मत हो, आप जितना मर्जी दिमाग इस्तेमाल कर लीजिए, अल्टीमेटली किस्मत के सहारे तो बैठना ही पड़ता है। हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट रेट ऑफ 10%। कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट रेट ऑफ 10%। हां जी, पहले साल में मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है 72,000, दूसरे साल में मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है 1,03,000। इस कैश इनफ्लो का मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस बनता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909, 0.826, सो दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 1,50,526 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियली आपको कितनी पेमेंट करनी है 1,40,000, डिफरेंस बताएं 10,526। ये हो गया एनपीवी और ये पॉजिटिव अमाउंट है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। तो लिखिएगा, सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी फाइनेंशियली वायबल, द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी फाइनेंशियली वायबल। अब आप आइएगा पेज नंबर 101 पर और आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 59। हां जी, ए कंपनी इज कंसीडरिंग परचेज ऑफ ए न्यू मशीन फॉर रुपीज 3,50,000। देर इज सम अनसर्टेनिटी एज टू द मशीन्स वर्किंग लाइफ। ए रिसेंटली पब्लिश्ड ट्रेड एसोसिएशन सर्वे शोज दैट द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन हैव बिटवीन देम ओन्ड 250 ऑफ दीज मशीन्स एंड हैव फाउंड द लाइफ ऑफ मशीन्स वेरी एज अंडर। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मशीन लाइफ जो 3 to 7 हमें गिवन है और उसके आगे गिवन है नंबर ऑफ मशीन्स हैविंग गिवन लाइफ, वो डिटेल्स भी हमारे पास है। नीचे क्वेश्चन कहता है मशीन लाइफ इन ईयर्स 3, 4, 5, 6, 7 और एनपीवी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर द कंपनी शुड परचेज द न्यू मशीन और नॉट। आप हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो आपको ये चार कॉलम्स बनाने हैं, चलिए ये चार कॉलम्स बनाइएगा, मशीन लाइफ, एनपीवी, प्रोबेबिलिटी, मोस्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी। हां जी, मशीन लाइफ 3 years, 4, 5, 6, 7 years। देखो जी, कई बार हम कोई मशीन खरीदते हैं तो जी हमें नहीं पता जी वो कितने साल चले। अगर हम जैसे घर के लिए इन्वर्टर भी खरीदना चाहते तो बस खरीद लेते, अब कितने साल चलेगा फिर देखेंगे। उसी तरीके से कोई भी मशीन खरीदो, खरीद तो हम लेते ही हैं, मशीन कितने साल चलेगी इस बात की कोई गारंटी तो दे नहीं सकता भाई। अगर तो ये मशीन 3 साल में खत्म हो गई तो मुझे बड़ा जबरदस्त लॉस होगा। वो क्वेश्चन में लिखा है 1,01,000 एनपीवी नेगेटिव। अगर तो मशीन 4 साल में खत्म हो गई तो लॉस तो तब भी होगा, कितना लॉस होगा 33,000। अगर मशीन 5 साल चल गई फिर 29,000 का फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। अगर मशीन 6 साल चल गई तो 86,000 और अगर मशीन 7 साल चल गई फिर तो अच्छा खासा फाइनेंशियल एडवांटेज है 1,37,000। अब हम लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे क्या करें। मशीन 3 साल में खत्म हो गई तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा है, 7 साल चल गई तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। अब पता नहीं मशीन कितने साल चलेगी, कैसे बता सकते हैं? आप देखो जितना मर्जी साइंटिफिक रूल्स क्यों ना अडॉप्ट कर लो, अल्टीमेटली तो हमारी नॉलेज लिमिटेड ही है ना, बताएं तो कैसे बताएं। खैर, हमें पता चला कि जो मशीन हम खरीदना चाहते हैं ऐसी ही मशीन 250 लोगों के पास है। जो मशीन हम खरीदना चाहते हैं ऐसी मशीन 250 लोगों के पास है। हमने सर्वे करवाया, हमने इन्वेस्टिगेशन करा, पता चला कि 250 में से 20 लोगों का यह मानना है, वो ये कहते हैं कि हां ये मशीन हमारे पास है और ये ना 3 साल में खत्म हो गई। जब 250 में से 20 लोग ऐसा कह सकते हैं
तो हम भी इसमें आ सकते हैं भाई, हम भी अगले हो सकते हैं इसमें, हमारे इसमें होने का क्या चांस है? 20 out of 250. That is 8%. 8% चांस है कि जी हम भी इसमें आ सकते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता। जब 250 में 20 लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो 8% चांस है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। 250 में 50 लोग क्या कहते हैं कि जी मशीन ने 4 साल चलना है, कितने परसेंटेज लोग कह रहे हैं? 20% लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, 250 में से 100 लोग क्या कह रहे हैं कि मशीन चलेगी 5 साल, परसेंटेज 40%। 250 में 70 लोग क्या कह रहे हैं? 28% लोग कह रहे हैं कि मशीन चलेगी 6 साल। 250 में से 10 लोग क्या कह रहे हैं कि मशीन चलेगी 7 साल, 0.04। क्या ये बात सही? आप मुझे प्रोबेबिलिटी का टोटल बताएंगे? क्या प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 ही होता? Yes. आपके साथ क्या होगा पता नहीं जी, क्या हो? हमारा इन्वर्टर कितने साल चलेगा भाई, हमें क्या पता। पर 8% चांस है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो सकता, 8% चांस है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। जब दुनिया के साथ हो सकता तो हमारे साथ भी हो सकता भाई। यानी 101,000 का नुकसान होगा यह बात तय नहीं है, यह बात 100% तय नहीं है। 8% चांस है कि यह हो सकता है। जब इसके होने का चांस खाली 8% है तो आप उसको खाली 8% ही इंपॉर्टेंस दो ना, क्या आप इसको 100% इंपॉर्टेंस देना चाहते? फिर तो कल को हम ये कहेंगे 7 साल भी तो हो सकते हैं, फिर तो फंस गए ना, हम इधर कह रहे ना उधर कह रहे। जिस इवेंट के होने का चांस खाली 8% है, इसका मतलब उसको 8% ही इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। यही वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जिस इवेंट के होने का जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको मत दो। 33,000 के लॉस का चांस है 20%, 29,000 के प्रॉफिट का चांस है 40%, 86,000 के प्रॉफिट का चांस है 28%, और 1,37,000 के फाइनेंशियल बेनिफिट का चांस है 4%। करो हुई टोटल 26,480, पॉजिटिव है ना? ठीक है, फिर कर लो भी इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लो, बाद में फिर देखा जाए। प्रोबेबिलिटी बहुत अनरियल कंसेप्ट है, ये सिर्फ फंसाने वाली बात है कि नहीं? अब हम लोग भी कभी लूडो का गेम खेलते हैं भाई, कभी तो हमको लगता है जी वो एक के आने का और 6 के आने का चांस 1/6 ही होता, और कई बार आप ना 100 बार फेंक के देख लो और नहीं आता तो नहीं आता। आपको जी 6 में से एक चांस है, यानी 6 में से एक बार तो वहीं जाना चाहिए था। हाँ, ये कोई बात तोड़ी, ऐसे कैसे आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी बहुत अनरियल कंसेप्ट है ना,
वो तो रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी को पूरी तरह चैलेंज करता है। मैथमेटिशियंस लाख अपना सर पकड़ ले, वो फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम अगर आपसे फैसला दिलवा दें, मशीन खरीद लो, कल को आप ही लोग आके बोलोगे कि ये क्या करवा दिया साहब, मशीन तो मेरी 3 साल में खत्म हो गई, तो फिर उसमें हम क्या करें भाई, हम क्या कर सकते हैं बताइए। फिर हम ये कह सकते हैं अच्छा मशीन 7 साल चल जाती तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, 1,37,000। अब आपकी मशीन 3 साल में खत्म होगी तो ये आप ही का कसूर है, हमारा कसूर तो नहीं है भाई। क्या ये बात सही है? मैं फिर कहूंगा सिक्का अगर उछल गया तो हेड्स या तो 100% आएगा या 100% नहीं आएगा, है कि नहीं? पर हम कहते हैं सिक्का उछलने से पहले कि 50% चांस है हेड्स के आने का, यही सबसे बड़ी समस्या। फैसला ले लो, बाकी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बस, किस्मत खराब हो तो आप जानते हो क्या होता है, किस्मत खराब हो तो क्या होता है कि अगर आप ऊंट पर भी बैठे हो गए तो भी कुत्ता आपको काट खा सकता है। इमेजिन करो आप ऊंट पर जा रहे हो, कुत्ते ने काट लिया, हद हो गई यार, ये कैसे हो गया, बस किस्मत खराब थी सर। या तो ऊंट थोड़ा वो बोनी टाइप का होगा, बोना ऊंट इतने साइज का ऊंट, या जो कुत्ता होगा वो ऊंट साइज का होगा, बातें हो सकती। लिखेगा राइट डाउन, सिंस द अमाउंट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी, the amount of most expected NPV is a positive amount, comma, the given investment decision will be financially viable, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 48 पर आइएगा। ए कंपनी यूसेस सर्टेनिटी, पेज नंबर 99, ए कंपनी यूसेस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, टू इवेल्युएट द रिस्की प्रोजेक्ट्स, इट हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ए प्रोजेक्ट विच इज अंडर कंसिडरेशन। आप देखिएगा ईयर 0 to 5 की बातें कही गई हैं, कैश फ्लोज और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कुछ कहा गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%, शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। आपने करना क्या है, एनपीवी कैलकुलेट करना शुरू करना है, पहले ईयर, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एट रेट ऑफ 12%, उसमें ₹1 एंड टोटल, आप ये कॉलम्स बनाइएगा, ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू एट रेट ऑफ 12%, ₹1 एंड टोटल। हां जी, लिखिएगा ईयर वन, यस प्लीज, ईयर वन हमें बताया गया कि पहले साल में कैश इनफ्लो हो सकता है 1,60,000, पर हमने इन्वेस्टर से पूछा
क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 1,60,000 का कैश इनफ्लो होगा? उसने कहा जी ये तो मुश्किल है। हमने कहा फिर क्या करें? कहता जी 80% चांस है कि ये इवेंट हो ही जाएगा, 80% तो मेरी तरफ से गारंटी मान लीजिए। अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाऊं, फ्यूचर में 1 रुपया मिल रहा है, 1 रुपए को छोड़ो 80 पैसे की तो गारंटी है। यानी अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाऊं और मैं कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल पर अपनी बात कहूं तो 80% तो कन्फर्म्ड है। हमने कहा जब कन्फर्म्ड 80% है तो फिर 80% की बात करते हैं ना, तो फिर आप बताइए 80% कितना है? 1,28,000। हम यही तो कह रहे हैं ना कि फ्यूचर में होने वाले फेवरेबल फैक्टर को थोड़ा कम करके कहा करो, मतलब फ्यूचर में आपके साथ अच्छा होने वाला है ये बात ना थोड़ी कम बोला करो। 80% चांस है तो 80% ही कहो, 100% क्यों बोलते हो फिर? उसी तरीके से दूसरे साल में आपको कैश इनफ्लो 1,40,000 लग रहा है, पर पूरा 1,40,000 मत बोलो, उसका 70% कहो। देखो सर्टेनिटी यानी निश्चित तौर पे जो बात कही जा सकती है, इक्विवेलेंट यानी समानांतर तौर पर जो बात कही जा सकती है, निश्चित समानांतर यानी हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 70% तो कन्फर्म्ड है, 100% तो जी होगा नहीं पर 70% तो कन्फर्म्ड है। अच्छा उसके बाद थर्ड ईयर में 1,30,000 एंड 60% चांस कन्फर्म्ड, कितना हो गया जी? ईयर 4 8,20,000 एंड 40% कन्फर्म्ड चांस 3,28,000। ईयर 5 80,000 एंड 30% कन्फर्म्ड चांस 24,000। चलिए अब आप मुझे 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताएंगे। पहला साल 0.893, दूसरा साल 0.797, तीसरा साल 0.712, 0.636, आखिरी साल 0.567। ये हो गया जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। फोर सेवन जीरो वन सिक्स टू, 470162 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, सो डिफरेंस इज 270162 पॉजिटिव एनपीवी। तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी फाइनेंशियली वायबल। यहां किसी को खड़ा,
ओके, ये सारी बातें सही। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग डालेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। मतलब एनपीवी के क्वेश्चंस ही है ये, पर ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर बेस्ड है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स एक वो कंसेप्ट है जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 में पढ़ाया जाता है। हमारे पास इससे रिलेटेड सिर्फ दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और अब तक किसी क्वेश्चन में हमने इसको अप्लाई भी नहीं करा। अच्छा, एक रूल एस्टेब्लिश हुआ, अगर क्वेश्चन ब्लॉक ऑफ एसेट का नाम नहीं लेगा तो हमें इसे कोई लेना देना ही नहीं। अगर ब्लॉक ऑफ एसेट का कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो क्वेश्चन में यह लिखना पड़ेगा, तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वरना हमें इस कंसेप्ट से कुछ भी लेना देना नहीं। ओके, यस प्लीज। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का जो भी कंसेप्ट है जिसके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते, वो क्वेश्चन के कहने पर ही डील किया जा सकता है, हम अपने आप डील करने वाले नहीं। हम सिर्फ इन दो क्वेश्चन में डील करेंगे और इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस में ब्लॉक ऑफ एसेट टर्म कहीं यूज नहीं होगा। ओके, अब समस्या ये है कि हर क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट पढ़ा होता है, और बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, और मुझे दोनों ही तरीकों के स्टूडेंट्स को पढ़ाना। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जब तक इनकम टैक्स एक्ट में ब्लॉक ऑफ एसेट आप नहीं पढ़ लेते तब तक मैं ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे लिए वो भी काम पॉसिबल नहीं। तो सारी सिचुएशन को मुझे ध्यान में रखना। वैसे ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एसेट्स। मान लीजिए आपके पास तीन मशीनें, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहती है कि आपके पास तीन मशीनें, एक मशीन ए का अकाउंट बनाओ, दूसरा मशीन बी का अकाउंट बनाओ, तीसरा मशीन सी का अकाउंट बनाओ। तीन मशीन, तीन अकाउंट, तीन सेपरेट ट्रीटमेंट। पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है अरे मशीन तो मशीन ही होती है, क्यों ना इन मशीनों का ग्रुप बना लिया जाए और ग्रुप को डील किया जाए। तो जब ग्रुप को डील किया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इसका मतलब तीनों मशीनों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा और ग्रुप को क्या कहा जाता है? ब्लॉक। क्या ये बात सही है? जिन लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में ये बात पढ़ रखी है वो जानते हैं कि ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एसेट। क्या ये बात सही? दूसरी बात, स्टूडेंट ये भी कह सकता है जी ब्लॉक का मतलब अगर ब्लॉक का मतलब ग्रुप है और ग्रुप बनाने के लिए कम से कम दो होने तो जरूरी। मान लीजिए मेरे पास एक मशीन ए है, मशीन बी है, चलो दोनों का ग्रुप बन गया। मान लो मेरे पास सिर्फ एक मशीन है, मशीन ए, क्या उसको भी ब्लॉक ही बोला जाएगा? जवाब है हां, उसको भी ब्लॉक ही बोला जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है जी पहली बात तो ना आप ये समझ लो कि हम ना आपको इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहे, हमने एक टर्म यूज कर दिया ब्लॉक, और ब्लॉक शब्द हमेशा इस्तेमाल होगा। अब फॉर द टाइम बिंग ब्लॉक में एक मशीन है तो ये हमारा कसूर है, हम क्या मतलब ही बदलते फिरेंगे? इसीलिए ब्लॉक यानी ब्लॉक, भले ही मशीन एक हो या एक से ज्यादा हो, हम टर्म यूज करेंगे ब्लॉक। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे रास्ते में नहीं आएगी, हम तब भी ब्लॉक टर्म ही यूज करेंगे,
इसलिए इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज के तराजू पर मत तोलिए, ये तो हमारी पहली रिक्वेस्ट, ठीक बात है ना। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट, और अगर एक मशीन होगी तो भी उसको ब्लॉक ही कहा जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ओके, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है उसको पढ़ने पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं जानता हूं कि 6-7 घंटे की पढ़ाई चाहिए पूरे डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में, जबकि मेरे लिए ये कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि इसको 40 या 45 मिनट में इसको निपटाया जाए। तो मैं आपसे, आप मुझसे ये उम्मीद मत लगाइएगा कि इनकम टैक्स एक्ट के डेप्रिसिएशन की मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं, मैं सिर्फ अपने मतलब की बातें बताऊंगा कि जिससे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 डील हो जाए और हम आगे बढ़ जाए, ठीक बात है। चलिए आइए शुरू करते हैं, और लिखिएगा सिचुएशन नंबर 1। हमने दो तरीके की सिचुएशन डील करनी है, हमने दो तरीके की सिचुएशन डील करनी, ठीक है ना। पहली वाली जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 18, और दूसरी वाली जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 19। हमारा मतलब बस दो सिचुएशन से होगा और कुछ भी नहीं। अब सवाल ये उठता है, हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सिचुएशन 1 का है या सिचुएशन 2 का है। आप इसके नीचे लिखिएगा व्हाट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। आप यूं समझ लीजिए, मैं आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्वेश्चन में ऐसी कौन सी लैंग्वेज लिखी होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सिचुएशन 1 का क्वेश्चन और ये सिचुएशन 2 का क्वेश्चन नहीं। तो मैंने क्या लिखा है, व्हाट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐसी क्या लैंग्वेज लिखी होगी। क्वेश्चन में लिखा होगा देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। यानी ये जो ग्रुप ऑफ एसेट है ना, इसमें कोई और एसेट ही नहीं, बस एक यही एसेट इसके अंदर, और कोई एसेट इसमें है ही नहीं। और मैंने आपको कहा है कि एक एसेट का भी ग्रुप बन जाता है, एक एसेट का भी ग्रुप बन जाता है। अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी हुई है ना, तो आप इसका मतलब क्या निकालेंगे कि ये सिचुएशन 1 का क्वेश्चन है। मैं आपको अपनी मर्जी फिर से बता दूं, अपनी समस्या भी मैं फिर से बता दूं, मैंने सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में ये पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा, दोनों को मुझे समझाना। तो इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो कम से कम दोनों को समझ में आए। व्हाट इट इज टू बी अंडरस्टूड, अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट, तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे। हाँ, इसके आगे लिखेगा द गिवन सिचुएशन इज रिलेटेड टू, द गिवन सिचुएशन इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट। द गिवन सिचुएशन इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ एसेट। यानी ये एक्सचेंज वाला क्वेश्चन नहीं है,
एक्सचेंज वाला क्वेश्चन सिचुएशन टू में आएगा, ये सीधी एसेट को खरीदने वाला क्वेश्चन है, हम मशीन खरीद रहे हैं, ये सिचुएशन वन है। सिचुएशन टू क्या होगी, हम पुरानी मशीन के बदले नई मशीन ला रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी होगी और आप इसका ये मतलब निकालेंगे, ओके। लास्ट में लिखेगा व्हाट टू डू, व्हाट टू डू यानी मैं फिर की करा। भाई क्वेश्चन में ये लिखा होगा, मैं इसका ये मतलब निकालूंगा, तो फिर मैं करा की, है ना, यही मतलब है ना, व्हाट टू डू यानी ये मैं फिर की करा, तो लिखेगा कि तुझे की करना है, लिखेगा द आंसर इज टू बी गिवन, द आंसर इज टू बी गिवन इन द नॉर्मल प्रोसीजर, द आंसर इज टू बी गिवन इन द नॉर्मल प्रोसीजर बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट no depreciation is to be charged, no depreciation is to be charged in the last year, no depreciation is to be charged in the last year। अब ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 पढ़ रखा है वो कहेंगे कि हाँ जी ये का हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मानेंगे नहीं इस बात को, वो कहेंगे जी इससे ज्यादा लॉजिकल बात ही नहीं हो सकती। अब फिर आप सुन लीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो पक्का नहीं मानेंगे, जिन्होंने पढ़ा वो कहते हैं हाँ जी लिखा तो हुआ है, ये कौन सी बड़ी बात है। सुनिए, मान लीजिए आपके पास एक मशीन और सिर्फ एक मशीन, यानी ब्लॉक में सिर्फ एक एसेट है, आपने उसको पूरे साल इस्तेमाल किया, पूरे साल 364 दिन, आपने आखिरी तारीख को उसे बेच दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट क्या कहेगा, ये 364 दिन लगाओ डेप्रिसिएशन, और इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 क्या कहता है, कहते जी डेप्रिसिएशन किस बात का, एसेट तो आपने बेच दी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट कहता है 364 दिन इस्तेमाल भी तो करिए, इनकम टैक्स एक्ट कहता है बेकार की बात मत करो। नहीं विश्वास, पढ़ लीजिए सेक्शन 32, लिखा हुआ उसके अंदर लिखा हुआ है इफ द ब्लॉक ऑफ एसेट सीजेस टू एग्जिस्ट, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त यह है कि आखिरी तारीख को ब्लॉक होना चाहिए, मान लीजिए ब्लॉक ही नहीं है, एक एसेट थी बेच दी, भले ही आखिरी तारीख को दे दी, वो कहते जब ब्लॉक ही नहीं है, जब एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस बात का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट किसी कीमत पर नहीं मानेगा, वो यही बोलता रहेगा 364 दिन का डेप्रिसिएशन लगाओ। इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं डेप्रिसिएशन किस बात का, एसेट तो बेच दी आपने, और ये फालतू की बातें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में शोभा देती, हमारे सामने फालतू की बातें मत करो, 364 दिन डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सेक्शन 32 में साफ शब्दों में लिखा। आप एक काम करना, इनकम टैक्स सेट के टीचर से पूछना जरूर, और पता उसके पास जवाब ही नहीं होगा, उसके पास पता क्या जवाब है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 पूरी लाइन बोल देगा आपको, जिसमें लॉजिक कहां है, ये तो सेक्शन 32 में कहा गया है। अच्छा चलो ठीक है, जब मुझे लॉजिक पता चल जाएगा आपको भी बता दूं, लॉजिक होगा तो बताया जाएगा ना। एक्चुअली आप सोचते हो कि इनकम टैक्स एक्ट लॉजिक पर बना है, इनकम टैक्स एक्ट बनाने वालों ने ये कब कहा कि हमने लॉजिकल एक्ट बनाया, वो कहते हैं हमने कन्वीनियंट एक्ट बनाया।
लॉजिक बड़ा होता है या कन्वीनियंस बड़ी होती है ना? कन्वीनियंस, सहूलियत जो है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर लॉजिक पर चलने लगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपको पॉपुलेशन को डील करना है, करोड़ों लोगों को डील करना है, तो क्या बात को लॉजिकली एस्टेब्लिश करोगे? नहीं, आपको बात को कन्वीनियंटली एस्टेब्लिश करना पड़ता है, वो कानून बनाना पड़ता है जिसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके। लॉजिकली कानून नहीं बनाया जा सकता, वो पॉसिबल है। खैर छोड़िए, हम लोग विषय से ना भटके, हमने बस एक बात याद रखनी है, आखिरी साल में डेप्रिसिएशन मत लगाइए बस। और मैं इसका लॉजिक देने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्योंकि ये लॉजिक देना मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप इस बात को रट्टा लगा लें कि अगर ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन वन का क्वेश्चन है तो आंसर नॉर्मल प्रोसीजर से जाएगा, बस वो आखिरी साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना शुरू करें। ए कंपनी यूसेस ए कंपोनेंट इन इट्स फाइनल प्रोडक्ट, द टोटल एनुअल डिमांड फॉर द कंपोनेंट इज, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 86 पढ़िए, द टोटल एनुअल डिमांड फॉर द कंपोनेंट इज एस्टिमेटेड एट 30,000 यूनिट्स विच कैन बी आइदर मैन्युफैक्चर्ड और कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एट रेट ऑफ रुपीज 13 पर यूनिट। If the component is manufactured, the company has to install a new machine costing rupees 1 lakh. Life 4 years, salvage value rupees 10,000 and subject to depreciation at rate of 25% WDV. Variable cost of manufacturing rupees 8 per unit, fixed expenditure 90,000 per annum. Evaluate the proposal given that tax rate is 50%, required rate of return is 14%. Use the concept of block of asset while charging depreciation, assuming that there is no other asset in the same block of asset. To aap pehle likhiyega initial cash आउटफ्लो, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना लिखा है रुपीस 1 लाख। अगर हमने ये मशीन खरीदी तो हमें इनिशियली पेमेंट करनी होगी 1,00,000 रुपए। आइए अब हम कैलकुलेट करना शुरू करें फ्यूचर कैश इनफ्लोस। और है WDV मेथड, सो पर्टिकुलर्स ईयर 1, 2, 3 and 4 देखिए, आप इस मशीन को खरीदना क्यों चाहते हैं वैसे? क्योंकि जो कंपोनेंट, जो पहले आप जो कंपोनेंट आप बाहर से खरीदा करते थे, अब आप वो कंपोनेंट खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे बड़ा फायदा जो होगा उसको हम क्या नाम दें? सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सॉरी, सेविंग इन परचेज कॉस्ट, सॉरी, सेविंग इन परचेज कॉस्ट। हां जी सुनिए, जो कंपोनेंट आप पहले खरीदा करते थे अब आपको नहीं खरीदना, तो परचेज कॉस्ट हमारी बच गई ना। वैसे यूनिट्स हमारे पास हैं कितनी? 30,000। और एक एक यूनिट हम खरीदते किस रेट पर थे वैसे? 13 रुपए के रेट पर। तो परचेज कॉस्ट की सेविंग कितनी होगी? 3,90,000 रुपए।
ओके, पहला काम आपने लिखा सेविंग इन परचेज कॉस्ट, ये आपके लिए एक फेवरेबल फैक्टर है। अब आपको कुछ अनफेवरेबल फैक्टर्स डील करने होंगे, माइनस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देखिए अगर आप परचेज नहीं करोगे तो आप मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। रुपए सेठ पर यूनिट को बोलिए सर, रुपए सेठ पर यूनिट। ओके, यूनिट्स कितनी है? 30,000 रुपीस 8 पर यूनिट, 2,40,000। हां जी, पहले आपने लिखा सेविंग इन परचेज कॉस्ट फेवरेबल फैक्टर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अनफेवरेबल फैक्टर, और अनफेवरेबल फैक्टर है तो बताइए। अच्छा, कैश फिक्स्ड कॉस्ट, कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा है? 90,000। तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट आपने रिकॉर्ड किया रुपीस 90,000। एक और अनफेवरेबल फैक्टर बताइएगा, डेप्रिसिएशन। वैसे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 25% WDV, और मशीन आपने खरीदी है 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 की मशीन खरीदी है ना, 1,00,000 की मशीन है, 25% डेप्रिसिएशन, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 25,000, और हर डेप्रिसिएशन पिछले डेप्रिसिएशन का 75%, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 18,750, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन 14,063 कह लेते हैं, चलो 14,063, और चौथे साल का डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन वन आप मान लीजिए, रट्टा लगा लीजिए जो मर्जी करे, आप आखिरी साल में डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, और जो भी है ये सेक्शन 32। अच्छा, इससे आपको क्या पता चलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का रेट कितना लिखा है? 50%। और आपको पता चलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो डेप्रिसिएशन आपने पहले माइनस किया था वो फिर आप वापस प्लस कर देंगे, 18,750, 14,063, लास्ट में नील। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करते ही आपको कैश इनफ्लो पता चल जाएगा, बताइए पहले साल का कैश इनफ्लो 42,500, दूसरे साल का कैश इनफ्लो 39,375,
39375, तीसरे साल का कैश इनफ्लो, फोर सेवन एक सेकेंड, 37032, आपने बताया 37032 और लास्ट ईयर 30,000 30,000 रुपए। अब क्या करें, प्लस लास्ट ईयर में आप सेल्वेज वैल्यू ऐड करें, सेल्वेज वैल्यू ऐसे कितना दे रखा है, 10,000। पूरे आंसर देने के तरीके में मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, बस आखिरी साल में डेप्रिसिएशन ही तो नहीं चार्ज कर रहा, और पूरे आंसर में कहीं कोई चेंज नहीं, एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है। अब लास्ट ईयर में मुझे एक काम और करना चाहिए, टैक्स की ट्रीटमेंट भी तो करनी चाहिए ना। आपने मशीन आज खरीदी है लाख रुपए की, सोचिए इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, जरूर आखिर में इसकी एक बुक वैल्यू होगी, और आप 10,000 में बेचोगे, बेचकर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा तो मैं माइनस करवा दूंगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो टैक्स सेव होगा, फायदे वाली बात हुई तो फिर हम प्लस करवा देंगे, मेरे ख्याल से टैक्स सेव होगा तो फिर हमें प्लस करवाना होगा। टैक्स टू बी सेव्ड ऑन लॉस ऑन सेल, टैक्स टू बी सेव्ड ऑन लॉस ऑन सेल, आपने मशीन आज खरीदी है 1,00,000 रुपए की, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा 25,000 रुपए, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगा 18,750 रुपए, तीसरे साल डेप्रिसिएशन 14,063 रुपए, चौथे साल तो डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं। ये हो गई बुक वैल्यू एट द एंड, हमने इसको बेचा 10,000 में, 10,000 भी माइनस कर दिया, डिफरेंस हो गया लॉस ऑन सेल, और जितना भी लॉस होगा उसका 50% टैक्स सेव किया जा सकता है, 16094, तो चौथे साल का टोटल आंसर कितना आ गया, 56094। ये जो 56094 आया है ये है कैश इनफ्लो इन द ईयर 4, ओके। अब आइए एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं, ईयर 1, 2, 3 एंड 4, पहले साल का कैश इनफ्लो है 42,500 रुपए, दूसरे साल का 39375, चौथे साल का है 37032, और आखिर में चौथे साल का है 56094। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आप बताएं, पहले साल का 0.8779, 0.675, 0.592,
So this way we will be able to calculate present value of future cash inflows. Present value of cash inflows का amount बताएं 125757 NPV 25757 अगर ये सही है तो ठीक है लिखिएगा सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी फाइनेंशियली वायबल ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन नंबर वन ये हमने पढ़ लिया है और सिर्फ एक बात हमने याद कर ली है कि जी आखिरी साल में हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे. अब आप लिखिएगा सिचुएशन टू. क्वेश्चन नंबर 19 इससे रिलेटेड है. सिचुएशन नंबर टू को अब डिस्कस किया जाए. आप इसमें लिखेगा सिचुएशन टू में लिखेगा व्हाट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. सिचुएशन नंबर टू का आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा जाए. हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. सिचुएशन नंबर टू में लिखेगा व्हाट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन में लिखेगा इसको अंडरलाइन करने के बाद there are other assets in the same block of assets. मतलब क्वेश्चन में लिखा जाएगा जी इस ब्लॉक ऑफ एसेट में और एसेट भी, खाली यही एसेट नहीं और एसेट भी, यानी ये असल में ग्रुप है. अगली लाइन में लिखेगा व्हाट इट इज टू बी अंडरस्टूड इसको भी अंडरलाइन करें और इसके आगे लिखें द गिवन सिचुएशन इज रिलेटेड टू Exchange of machine. The given situation is related to exchange of machine. तो अब यू कहिए जी ये एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है, ठीक है. लास्ट में what to do में आपको दो बातें याद रखनी. नंबर वन Any profit or loss on sale of asset. अब मैं फिर कहूंगा इनकम टैक्स एक्ट जिन्होंने पढ़ रखा है वो ये बात समझते हैं. सुने मान लीजिए आपके पास ब्लॉक में चार मशीनें, मशीन ABCD, आपने उसमें से कोई एक मशीन बेच दी तो हम
हमारे इनकम टैक्स लॉ में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जो ये बताए कि जो मशीन बेची उसके बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ। सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता। आपके ब्लॉक में चार मशीनें हैं, आपने एक बेची, आप बता ही नहीं सकते कि जो मशीन बेची है उसके बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ। सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप भी ये रूल समझ लीजिए, आप जबरदस्ती ये कैलकुलेशन मत करिएगा किसी मशीन के बेचने से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देने के बारे में मत सोचिएगा और किसी मशीन के बेचने से होने वाले लॉस पर टैक्स सेव करने के बारे में मत सोचिएगा। तो ये आपका काम मैं आसान ही कर रहा हूं ना, मैं आपको ये तो कह रहा हूं ना, एक कैलकुलेशन मत करना। मैं थोड़ी कह रहा हूं एक और कैलकुलेशन करना, वो आपके लिए मुसीबत वाली बात हो सकती है ना, एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं ये वाली कैलकुलेशन मत करना। तो आपको तो ये सुनकर खुशी होना चाहिए कि एक कैलकुलेशन नहीं करने को कही जा रही। ओके, ये आपको नंबर वन पॉइंट ध्यान रखना है। नंबर टू पॉइंट ध्यान रखिएगा, सिंस द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ मशीन, सिंस द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ मशीन कॉमा ऑल द कैलकुलेशंस मस्ट बी मेड ऑन डिफरेंशियल बेसिस। ओके, दूसरी बात, जो भी बात कही जाएगी डिफरेंशियली कही जाएगी, बस ये दो बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ये ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 2 का क्वेश्चन होगा और इसके अलावा किसी और क्वेश्चन से हमें ब्लॉक ऑफ एसेट को मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ए कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस एंड वांट्स टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स प्लांट, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख, लाइफ 10 इयर्स, डेप्रिसिएशन 25% WDV which has remaining life of 5 years. The machine has salvage value of 2 lakh at present. The new machine also having life of 5 years being considered for replacement is costing rupees 15 lakh. The important data regarding new machine are as follows. Incremental revenue 5 lakh annually. Variable cost 30% of sale. Depreciation 25% WDV. Evaluate the replacement decision given that cost of capital is 10%, tax rate is 30%, there are other assets in the same block of assets. पहली calculation कौन सी होनी चाहिए? Differential, initial cash outflow. लिखिएगा डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। एक्सचेंज का केस है, सारी बातें आपको डिफरेंशियली कहनी होंगी। न्यू मशीन का परचेज प्राइस बताएंगे 15 लाख। पुरानी मशीन का सेल प्राइस बताइए। आज हम पुरानी मशीन को बेचेंगे तो हमें बेचकर क्या मिलेगा? क्या बताया आपने? रुपीस 2 लाख। डिफरेंस 13 लाख। कोई और क्वेश्चन होता तो हम कुछ ऐसा सोचते, भाई जो पुरानी मशीन बेची 2 लाख की,
आज उसकी कीमत क्या है, कितने में बेच दी, बेचकर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया तो टैक्स सेव करेंगे। पर ये सारी बातें ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 2 में आपको सोचने की परमिशन नहीं है। बाकी क्वेश्चन में सोचो, ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 2 में हम ये बातें आपको सोचने ही नहीं देंगे। ठीक बात है ना? तो चलो अच्छी बात है ना। हम कौन सा सोचना चाहते हैं, थोड़ा सा तो दिमाग है उस पर भी हम चाहते हैं ज्यादा बोझ ना डाला जाए, है ना। आप ये तो मानते हो ना कि दिमाग थोड़ा सा ही हमारे पास। अच्छा आप ये तो मानते हो ना कि आपके दिमाग में बड़े सारे छेद हैं, ये तो मानते हो ना कि दिमाग में बड़े सारे छेद हैं, बड़े सारे छेद हैं, मतलब एक छेद से ना कोई बात डाली जाती है, जैसे कूपी से डाली जाती है ना ऐसे, वो बाकी छेद से बाहर निकल जाती। बड़े सारे छेद होने का ये बड़ा नुकसान होता है, एक छेद से बात डालो दूसरे छेद से बाहर निकल जाती, और जब तक आप घर पहुंचोगे है कि नहीं, तो कुछ बात इससे बाहर निकल जाएगी, कुछ उससे बाहर निकल जाएगी, घर पहुंचे पहुंचे बस थोड़ी सी एजुकेशन रह जाएगी, बस कुछ इधर गिर जाएगा, कुछ उधर गिर जाएगा। समस्या ये है ना, बहुत एक दिमाग वो भी छेदों से भरा हुआ नहीं कितनी बातें संभाल के रखें जितनी बातें मैं बोल रहा हूं घर पहुंचते पहुंचते कितनी दिमाग में रह जाएंगी, तो इसका क्या मतलब है, बाकी सारी बातें बह गई, और इसलिए बह गई क्योंकि दिमागों में छेद है कि नहीं। चलिए आइए कैलकुलेट करें डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन। सुनिए, डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन हम पहले भी बड़े सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेट कर चुके हैं, इनफैक्ट आज ही एक क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, उसमें हमने पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया था, फिर ओल्ड मशीन, फिर न्यू मशीन, फिर हमने डिफरेंस बताया था। मैं आपको डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन आप यह जिद नहीं करोगे जी बाकी क्वेश्चन में भी यही तरीका लगना चाहिए, क्योंकि वो आसान तरीका सिर्फ ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 2 में ही अप्लाई हो सकता, बाकी जगह अप्लाई नहीं होगा। तो फिर आप वो सुन लीजिए, बहुत आसान तरीका है लेकिन सिर्फ वो यहीं पर ही अप्लाई हो सकता है। और वो तरीका क्या है, सेक्शन 32 की बात बता रहा हूं। अगर आपने एसेट खरीदी 15 लाख की, तो सेक्शन 32 कहता है फिर आप इसको प्लस करो, एसेट खरीदी तो प्लस करो, पुरानी एसेट बेची तो माइनस कर दो। ये नहीं सोचा जाता कि पुरानी एसेट की बुक वैल्यू क्या है, ये सब नहीं सोचा जाता, जितने में बेचा सो माइनस करो। यानी ब्लॉक में क्या होगा, 15 लाख बढ़ेगा, 2 लाख घट जाएगा। नेट सोचा जाए तो ब्लॉक की कीमत 13 लाख बढ़ जाएगी। तो वो कहते हैं जो 13 लाख जो है ना, ये है ब्लॉक की बढ़ी हुई कीमत। हमने कहा हमें ब्लॉक की बढ़ी हुई कीमत नहीं जाननी, हमें बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन जानना है। कहते तो वही तो बता रहे हैं, अगर हम बढ़ी हुई कीमत का डेप्रिसिएशन निकाल लें तो उसे बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन कहा जा सकता। आप कहते हो ब्लॉक की कीमत 13 लाख बढ़ गई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% है, तो आइए बढ़ी हुई कीमत को ही डेप्रिशिएट कर दे 25% ऑफ 13 लाख इज इक्वल टू रुपीज 3,25,000। नहीं समझ में आया तो सेक्शन 32 को आप लोग कोसिए, मेरे से ना सवाल करने की जरूरत नहीं, मैंने नहीं बनाया भाई ये रूल। सेक्शन 32 में लिखा है कि एसेट खरीदो तो जी परचेज प्राइस ऐड होता है, बेचो तो सेल प्राइस माइनस होता है, और जो एसेट बेची जाती है उसकी कॉस्ट कोई नहीं सोचता, सेल प्राइस माइनस होता है। इसका मतलब 13 लाख रुपए नेट में ब्लॉक की कीमत बढ़ गई। अगर मैं बढ़ी हुई कीमत को ही डेप्रिशिएट कर दूं तो क्या वो बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा?
चूंकि WDV मेथड है तो अगला डेप्रिसिएशन पिछले डेप्रिसिएशन का 75%, 243750. सिमिलरली ईयर थ्री का आंसर दें 182813. ईयर फोर का आंसर दें 109. सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ 137109. ये हमने डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और यकीन मानिए तुमने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर ली. जरा इसको पुराने मेथड से कंपेयर करके देखना उसमें कितनी मेहनत लगती है और इसमें हमारी कितनी मेहनत लगी. ये तो बहुत आसान तरीका है. आइए फ्यूचर कैश इनफ्लोस पता करें. फ्यूचर कैश इनफ्लोस पता करने के लिए आपको जो कॉलम्स बनाने हैं जी, तो पहले आप लिखिएगा इंक्रीज इन सेल्स. हर साल सेल कितनी बढ़ जाएगी? 5 लाख रुपए. चलो पहले आपने लिखा इंक्रीज इन सेल्स 5 लाख रुपए. अब इसमें से क्या माइनस करें? वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 30%. इंक्रीज इन सेल्स में से आपने इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा. अब आप इसमें से माइनस करिएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन. एडिशनल डेप्रिसिएशन पहले साल का है 325,000. दूसरे साल का है 243750. तीसरे साल का है 182813. उसके बाद है 137109, 102832. टैक्स का रेट है 30%.
अगर कोई सेल्वेज वैल्यू होता तो हम जरूर लास्ट ईयर में ऐड करते हैं। आपने कैश इनफ्लो पहले साल का कितना पता कर लिया, 342,500, और दूसरे साल का है 318,125। हाँ सब लोग लिख लीजिए, लिखना ही आपको और क्या करना है, और क्या जो भी स्टूडेंट कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर ले। हाँ तीसरे साल का 299,844, 286,132, 275,850, के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। इसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करते हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है, शुरू में आपने लिखा था 13 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 1166018। एनपीवी नेगेटिव अमाउंट, ठीक है ना, 133,982। कंक्लूजन आप जानते हैं, एनपीवी नेगेटिव अमाउंट है, फाइनेंशियली वायबल नहीं।
क्लास से अगर क्लास से बाहर निकाल दूं तो भी ऐसी निकलेगी क्या? चलो कोई बात,